हाँ, CSC शाहनगर में स्टाफ नर्स मीना सिंह जी हैं, जी उनके द्वारा दिनांक 7/9/12 को रिपोर्ट की गई, 7/9/2020 को रिपोर्ट की गई है कि उनकी ड्यूटी 6/7/6/9/2020 को दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक थी। उस दौरान एक डिलीवरी की महिला आई, जिसका उनने कुछ इलाज किया, देखा, उन्होंने बताया कि आपका मामला थोड़ी टिपिकल है, आप कटनी चली जाएं। कटनी के लिए रेफर किया गया था तथा जाने के लिए 108 वाहन बुलाया गया था, लेकिन उन लोगों के द्वारा जाने से मना कर दिया। इसके बाद मीना की ड्यूटी समाप्त हो गई। अगले दिन सुबह जब वो पुनः अपनी ड्यूटी के लिए 8 बजे पहुँचती हैं, तो जो डिलीवरी वाली महिला 6 तारीख को शाम को आई थी, वो इसके बाद कटनी चली गई। कटनी के बाद वहाँ पर बच्चे डिलीवरी वगैरह सब कुछ हो गई थी। इसके बाद जन्म होने के बाद बच्चा खत्म हो गया है, तो उसको लेकर के वो वापस आई और बोले इनके द्वारा इलाज हमारा सही नहीं किया गया। उस पर से स्टाफ नर्स मीना के साथ मारपीट की इन लोगों ने, एक महिला थी गौंड जाति की और उसके एक लड़का था, इन दो के द्वारा उसको मारपीट की गई है। इस संबंध की रिपोर्ट की थी, जिस पर अपराध धारा अपराध क्रमांक 401/2020, धारा 353, 332, 294, 506, 34 का कायम किया गया है। शिशु का जन्म कहाँ हुआ था सर, जो खत्म हुआ, जिससे आक्रोशित होकर मारपीट किए हैं? अब उन लोगों का बताना था कि यहाँ पर CSC साईनगर में जन्म हुआ था। इसके बाद कुछ स्वास्थ्य उसका जो है सही न होने से उनके द्वारा कटनी के लिए भेजा गया था, लेकिन जिसके साथ ये घटना की गई वो उस समय ड्यूटी पर नहीं थी, उनके द्वारा अपनी ड्यूटी के दौरान कटनी के लिए रेफर कर दिया था। अब पुनः जी वापस कैसे क्या हो गई उसकी जानकारी अब आगे जाँच होगी तो पता चलेगा कि किसके द्वारा कैसा क्या किया गया था। आरोपी के नाम बता दीजिए सर। आरोपी एक महिला है, दुर्गाबाई और रमाकांत फपड़ा लोग हैं, गौंड लिखे अपने गौंड हैं जी। इनके द्वारा जो घटना घटित की गई। आपका शुभ नाम बता दीजिए सर। ASI शिवराम नायक।